so now we will be starting with the heart first of all the coverings of the heart the coverings of the heart does anyone of you know what are the coverings of the heart anyone pericardium generally an answer comes kisser pericardium is a covering of the heart but remember many people when i ask kisser layers of the heart patay endocardium myocardium pericardium याद रखिएगा कि ये गलत जवाब है लेयर्स ऑफ द हार्ट आर नॉट एंडोकार्डियम मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम लेयर्स ऑफ द हार्ट आर एंडोकार्डियम मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम विच इज इन फैक्ट डेरिवेटिव ऑफ पेरिकार्डियम क्योंकि पेरिकार्डियम टू बी प्रिसाइज इट इज ऑफ थ्री टाइप्स फाइब्रस पेरिकार्डियम सीरस राइटल पेरिकार्डियम एंड सिरस विसरल पेरिकार्डियम एंड द सिरस विसरल पेरिकार्डियम इज एक्चुअली द एपिकार्डियम व्हिच इज एडहेरेंट टू द मायोकार्डियम ऑन द सुपीरियर सरफेस सो इट इज काउंटेड एज अ लेयर ऑफ द हार्ट वॉल हार्ट वॉल डब्ल्यू डबल एल ठीक है तो मैं अब आप आपको बताता हूं कि पेरिकार्डियम दो टाइप्स का है मेजरली टू टाइप्स का है नंबर वन बताइए मैंने अभी क्या बोला सबसे पहले फाइब्रस पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा क्या बोला मैंने सीरस पेरिकार्डियम सीरस पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू जस्ट इट पेराइटल द आउटर वन एंड विसरल विच इज द इनर वन अच्छा ठीक है और विसरल के बारे में क्या लिखेंगे हम इट इज इजेर टू द हार्ट एंड इज नोन एज एपी सो इट इज कंसिडर्ड ऑफ द हार्ट एंड द पेरिकार्डियल कैविटी डज एनी वन ऑफ यू नो वेर इज पेरिकार्डियल कैविटी इन बिटवीन विच एरियाज ऑफ दीज लेयर्स कोई बता सकता है एरो

वो जो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम था उसके ऊपर हार्ट पड़ा हुआ है ये सेंट्रल टेंडन डायफ्राम है ये हार्ट का फाइब्रस पेरिकार्डियम है सेंट्रल टेंडन सो फर्स्ट थिंग एंटीरियरली इट इज अटैच्ड टू द स्टर्नम बाय

ठीक है अब उसके बाद आ जाए पेरिकार्डियम पे सीरस पेरिकार्डियम के बारे में मैंने पहले लिख दिया इट इज अ ड्यूअल लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसकी बाहर वाली या आउटर लेयर इज नोन एज द इनर लेयर इज नोन एज विजरल पेरिकार्डियम और इन्हीं के दरमियान में पेरिकार्डियल कैविटी है और एक चीज याद रखिएगा

ये ये तो ये बात बता रहे हैं देखो ये हार्ट है ना ये हार्ट की फट करो ये हार्ट है हार्ट के ऊपर विस्टल पेरिकार्डियम चिपका हुआ है लेकिन जहां पे आर्टरी और वेन रन कर रही होगी वहां पे ये चिपका हुआ ऐसे नहीं होगा बाकी जगहों पे एडहेरेंट है लेकिन जहां पे आर्टरी और वेन है वो इसके नीचे से गुजरती हैं ठीक हो गया नाउ देयर आर टू साइनसिस ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूं ये मैं इधर आप लोगों को एक्ट में दिखा देता हूं देयर आर टू साइनसिस ऑफ द हार्ट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस व्हिच आर वेरी येट इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पता नहीं पूछे जरूर जाते हैं ये देखिए अब ये जो है ना ये पेरिकार्डियम लगा हुआ है और हमने हार्ट को उतार लिया ऊपर से पीछे वाला शेडो आ रहा है जहां पे हार्ट लगा हुआ था ना ये हमने हार्ट उतार दिया तो पीछे वाली जगह नजर आ रही है हमें तो इधर अगर आप देखें तो दो लार्ज एरोज हैं एक ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस लिखा हुआ एक ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस लिखा हुआ है नजर आ रहा है आप लोगों को सो so, यूं लिखिएगा द साइनस ऑफ पैरिकार्डियम दीज आर स्पेसिस on the posterior aspect of the heart and there are two in number upper wala transverse pericardial sinus it is between the superior vena cava aorta and the pulmonary trunk देखें आपको नजर आ रहा है ब्लू रेड एंड पर्पल एरिया के दरमियान में यूं जो ट्रांसफर्सार्डियल साइनस जा रहा है और जो ऑब्लिक है जो नीचे है इट इज बिटवीन बिटवीन सुपीरियर वैना एओटा एंड पल्मोनरी ट्रंक ये देखिए सामने नजर भी आ रहा है ना देखिए सुपीरियर वेना केवा एओटा एंड पल्मोनरी ट्रंक के दरम्यान में पड़ा हुआ है ओके okay. अगली बात oblique pericardial साइनस जो नीचे पड़ा हुआ है वो दो वेंस के درمیان में दो रेड एक साइड पे दो रेड एक साइड पे ये नीचे वाला oblique pericardial साइनस। it is between the left and right pulmonary veins as well as the inferior vena cava right side पे ivc inferior vena cava भी आता है वो देखें आपको नजर आ रहा होगा यहां पे उसने बनाया हुआ भी है ये वाला ये राइट पे और दूसरी साइड लेफ्ट पे

ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि रूट्स ऑफ द द ग्रेट एंटरिंग एंड इमर्जिंग फ्रॉम हार्ट जितनी भी आर्टरीज और मेजर वो सारी की सारी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हैं रूट्स जो है उनकी सारी नहीं रूट्स ये देखो ना ये सुपीरियर वेना कैवा देखो निकल रहा है ये इतना पार्ट पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर है बाकी ऊपर निकल गया ये एटा यहां से एमर्ज कर रहा है ये असेंडिंग एटा का ये पार्ट अंदर है ये आर्ट वाला एरिया बाहर चला गया ठीक है ना डियम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइब्रस एंड पेराइटल फाइब्रस एंड पेराइटल ले रिपीट कर द फाइब्रस पेरिकार्डियम यानी कि तीन लेयर हमने बनाई थी ना

एंड इट इज नॉट सेंसिटिव टू पेन और अगर इसी पैरिकार्डियल कैविटी में एक और चीज याद रखिएगा जो इसी पैरिकार्डियल कैविटी में अगर फ्लूड एक्मलेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं पेरिक्डियल इफ्यूजन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर

फर्ज करें पेरिकार्डियल फ्लूड यहां से रिमूव हो गया और इन्फ्लेमेशन हुई जिसकी वजह से पेरिकार्डियल हो गया तो फाइब्रोस तो, तो हो सकता है कि पेरिकार्डियम जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए उसे हम कह देंगे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाटिस हा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो या कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो रिजल्ट दोनों सूरतों में सेम निकलेगा कि हार डेस्टली बोलिए

पेरिकार्डियोसिंटेसिस वर्ड और इसका जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है दो मेथड्स हैं लैटरल टू द स्टर्नम इन द फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटर टू दर्न इन फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस अगर हम सीधी नीडल डालें और उसको करते रहे तो हम पेरिकार्डियल फ्लूड में चले जाएंगे में जाएंगे ज्यादा डीप नहीं जाना वरना हार्ट में बढ़ जाएंगे ठीक है इसीलिए हम इसकी नीडल जब भी डालते हैं तो उसको शक करते रहते हैं साथ साथ कि जैसे ही फ्लूड आए उधर रुक जाना है ज्यादा डीप गया तो हार्ट को पंक्चर कर देंगे ठीक है तो लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस स्ट्रेट नीडल लीड यू इन टू दैरिकार्डियल फ्लोइड इट वे यहां पे लेफ्ट साइड पे मैं अब आपको दिखा देता हूं लेफ्ट साइड पे इसने बताई रिमेंबर लेफ्ट साइड बिटवीन द स्टर्नम एंड प्रोसेस एंगल बिटवीन दम एंड अगर हम एंटर होंट श्योर देर वॉज अ फिगर इफ यू एंटर फ्रॉम दाइड बिटवीन दीफर्ट प्रोसेस एंड दार्जिन एंड जो डायरेक्शन ऑफ द नीडल रखनी है यहां से दिखा देता हूं अपवर्ड बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट यानी के यहां से एक तो पॉइंट हमने क्या बोला कि हमने कहां पे एंटर होना है फिफ्थ स्पेस काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फिफ्थ फिफ्थ स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम ये पॉइंट जो है ये हमारे पास जाएगी पेरिकार्डियम में दूसरा क्या है कि नीडल को हमने यहां से इस एंगल से अंदर इंट्रोड्यूस कराना है इस पॉइंट से और इसी डायरेक्शन में रखना टिप ऑफ द लेफ्ट शोल्डर की तरफ रखना है यहां से यूं लेफ्ट अप एंड डीप तो भी हम अगर इसको सक करते जाएं तो हमारे पेशेंट के अंदर जो हमारी नीडल जाएगी वो पेरिकार्डियल सैक में चली जाएगी और हम वहां से पेरिकार्डियल फ्लू को रिमूव कर सकते हैं सो दीज आर द द टू टू यू शुड अपवर्ड्स एंड लेफ्ट और कुछ लोग सिंपल कह देते हैं टू द टिप ऑफ द लेफ्ट शोल्डर जो कि बैक पे भी है लेफ्ट पे भी अपवर्ड्स भी है यहां से यूं गए यहां से यूं गए तो ये हमारी नीडल ऑब्वियसली अपवर्ड्स बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट फेस कर रही है ठीक हो गया चले आगे ओके okay. नाउ द नेक्स्ट थिंग वो है हमारे पास बॉर्डर हार्ट बॉर्डर्स पे आ जाए या बॉर्डर्स पे ही आ जाए सही है बॉर्डर्स पे ही रहते हैं मैं आप पहले हार्ट का फिगर खोल लें फिर मैं आपको बॉर्डर्स दिखाता जाता हूँ यहाँ से इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ये ले जी इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट ये हमारे पास आ गया दिस इज एन इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट विच इज वेरी सिंपल देखें जी बॉर्डर ये कौन सा बॉर्डर है दिस इज द राइट बॉर्डर एंड कैन यू सी ये कौन सा कौन सा कौन चीज बना रही है दिस इज मेड बाय दियम राइट एट्रियम राइट बॉर्डर है अपर बॉर्डर किससे बन रहा है बाय बोथ्रिया ये लेफ्ट एट्रियम पड़ा हुआ है ये राइट right एट्रियम है अपर बॉर्डर इज फॉर्म बाय बोथरिया राइट एंड द लेफ्ट लेफ्ट बॉर्डर इज फाउंड बाय द ये कौन सा एरिया बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट एट्रियम सर अपर बॉर्डर बाय राइट एंड लेफ्ट एट्रियम यस लेफ्ट बॉर्डर बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय द लेफ्ट एट्रियम अभाव यहां पे देखो ना ये थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम आता है ऊपर ऊपर तो ये मेजरली लेफ्ट वेंट्रिकल है और जो इंफीरियर बॉर्डर है वो राइट right वेंट्रिकल से है पार्टली बाय द लेफ्ट बाय्रिकल ये देखो ये थोड़ा सा एरिया जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल का है मेजरली बॉर्डर जो होता है, वो किससे बनता है राइट right वेंट्रिकल से Apex के करीब थोड़ा सा नीचे से वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि एपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल से है तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि यहां पे जो इंफीरियर बॉर्डर का आखिरी पार्ट है ना यहां पे मेरा रेड डॉट है ये बेसिकली बेटे लेफ्ट वेंट्रिकल से डन हो गया इंटीरियर बॉर्डर द्वारा बता दें मेजरली बाय द राइट वेंट्रिकल एट द एपेक्स बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल नाओ आगे चलते सर्फिस ऑफ आर्ट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंटीरियर यानल सर्फिस कोस्टल सरफेस आगे वाली सरफेस देखें इधर से देख के बताए कौन बना रहा है सर ऑल द फोर चैंबर्स मेजरली राइट एट्रियम राइट वेंटिकल पार्टली द लेफ्ट एट्रियम नहीं 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 लेफ्ट एट्रियम नहीं आता

जनाब ये जो इतना आ रहा है ये तकरीबन ये राइट वेंट्रिकल है ठीक हो गया ये जो एरिया है ये थोड़ा सा यूं करके ये लेफ्ट वेंट्रिकल का आ गया ये हल्का सा लेफ्ट एटीएम नजर आता है यहाँ पे इतना ठीक है ना That is very simple. तो इट इज वेरी सिंपल अब लेफ्ट सरफेस मुझे डीएसएफएस की नहीं समझ आ रही किसको हम कहेंगे लेट मी कंटिन्यू आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स लेक्चर के बाद समझाता हूं लेफ्ट सरफेस लेफ्ट 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 पे एंड अपर पार्ट ऑफ़ द एट्रियम यानी जो लेफ्ट लेफ्ट बॉर्डर बना रहा था सरफेस भी वही बना रहा है देखो बॉर्डर सिर्फ आउटलाइन है ना सरफेस पूरी है अगर मैं ये कि ये लेफ्ट बॉर्डर है मैं ये कहता हूँ लेफ्ट बॉर्डर है लेफ्ट बॉर्डर हैंड लेकिन जब मैं यूं करके देखूंगा तो ये लेफ्ट सरफेस बन जाएगी फिर में में कि सारी फिंगर्स भी है मेटाटार्सल भी है, भी है. तो है ना कि लेफ्ट बॉर्डर एंड लेफ्ट सर्फिस इसी तरह आगे वाली सर्फेस जो है सामने से हम ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना हार्ट का ये बिल्कुल सामने से देख रहे हैं जो फिगर खोला हुआ है इसके अंदर सारे नजर आ रहे हैं आपको ठीक है ना अब जो है इंफीरियर सर्फेस इंफीरियर या वो मैं देखता हूं अगर दिखाई भी है अलग से नहीं दिखाई भी इंफीरियर सर्फेस जिसके ऊपर हार्ट रेस्ट कर रहा होता है जहां से डायफ्राम के ऊपर पड़ा हुआ होता है उसके अंदर लिख लीजिए नीचे क्या आता है राइट वन थर्ड बाय द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट टू थर्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वन थर्ड बाय द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट टू थर्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है लिख लिया सर आपने लेफ्ट साइड का बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट सरफेस पे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नाउ अब जो मैं चीज शुरू करने लगा वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट

एंटीरियर एयोटिक साइनस से राइज करती है राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर साइनस से ओरिजिनेट करती है बोलिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो ये देखें एक साइनस एंटीरियर एक साइनस ऑब्वियसली पोस्टीरियरली ये पड़ा हुआ थोड़ी है थोड़ी सी आउट पाउचिंग है आप लोगों को तो एंटीरियर द राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर एयोटिक साइनस गिव्स राइज टू द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बिगर वन no, कौन बताएगा अब देखें जी. अब मेरी ना बात को आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल आराम से सुनना है राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में चंद एक बातें लिखें, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ RCA, आई विल बी रिकॉर्डिंग यूजिंग कोट्स आरसीए

लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द ऑब्वियसली लेफ्ट एट्री ठीक है अब कहां पे ये नीचे आ रही है ये देखें अगर आप देखें द राइट कोरोनरी क्रोर डिसेंड डाउन बिटवीन द राइट एट्री वेंट्रिकुलर ग्रूव ऐसे ही क्या तो ये जो नीचे आई है इसको अब हम कैसे कह सकते हैं इट डिसेंट्स डाउन इन द बोलिए राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेंटिकुलर ग्रूप ग्रुप इज इट क्लियर ठीक है ये कहां पे पहुंची ये मैंने सर्फेस और बॉर्डर जो कराए पहले ये कौन सी सर्फेस पहुंची इंफीरियर सर्फिस पहुंच गई है इंटीरियर सर्फिस इंफीरियर सर्फिस यू नीचे आई इन्फीरियर सर्फिस पे पहुंच गई फिर हम क्या लिखेंगे रीच इज द इंफीरियर बॉर्डर कह लें इनफीरियर बॉर्डर इससे आगे हमें नजर नहीं आ रही ऐसे ही है इससे आगे तो हमें नजर नहीं आ रही ना आर यू मी लेकिन yes, मैं sir. इसको बना देता हूँ ये यहाँ से लूप बैक करके पीछे चली जाती है यहाँ से यू पीछे चली जाती है यहाँ से ग्रुप को फॉलो करेगी ना सर जी ग्रुप को फॉलो करेगी ना फॉलो हाँ करते हुए डाउनवर्ड हाँ फॉलो करेगी पीछे पीछे चली जाएगी राइट में और फिर वहां से यूं आ जाएगी अब मैं बताता हूं क्या हुआ लिखिएगा बॉर्डर लूप्स ऑन टू सरफेस लूप्स बैक ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस अब देखो जो ये जो मैंने लाइन बनाई है ना ये वाली ये वाली ये देखिएगा ये ये क्या लिखा हुआ है है ये क्या लिखा हुआ है? बोलिए है यार पढ़ेरियर इंटरवेंटिकुलर एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आठ ये किधर होनी चाहिए इंटरवेंटिकुलर ग्रूव में होनी चाहिए दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान का जो ग्रूव है उसी में रन कर रही है ना ये राइट वेंट्रिकल है ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है जो और मुझे एक बात बताएं मैंने अभी आपको बताया कि इन्फीरियर सरफेस में मेजरली कौन सा है राइट या लेफ्ट राइट नहीं है नहीं में मैंने बताया बना बना रहा है, वन राइट बना रहा है है देखें yes. मैंने क्या? ऐसे बताया। इसकी इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रूव है कि जो ना मैं इसको यहां पर लेबल करता हूं एक ग्रीन कलर में डो नॉट बी कंफ्यूज अगेन आई एम टेलिंग यू डो नॉट बी कंफ्यूज ये ग्रूव है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल और यह जिसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो तकरीबन जाता है यहां से यू और इसके दरमियान में ये जो ग्रीन एरिया बन रहा है ये बेसिकली क्या है इंटरवेंट्रिकुलर क्या होगा सेप्टम यानी के आगे से अगर हम इसको काटें तो ये पीछे थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है बिल्कुल सीधा नहीं पड़ा हुआ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ है ऑब्लिकली पड़ा हुआ है अब ये जो आर्टरी है ना राइट कोरोनरी आर्टरी ये पीछे से डिसेंड करती इस ग्रुप में और ये ग्रुप क्या कहलाएगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप डोंट डू इट बी फोकस्ड बी फोकस्ड बी फोकस्ड यस सर ठीक है ना do yes, तो loops back on the posterior surface uh -huh, remains in the remaining in the atrioventricular groove terminates as the posterior interventricular artery in the boliachia in the इंटर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूफ समझ आई बात की तो ये देखो और ये जो चीज मैंने आपको बताई है इसको हम एक लेबल दे देते हैं कि ये जो चीज है ये जो आर्टरी है जो नीचे जा रही है ये ये वाली है जिसकी हमने बात की है ये इंटरवेंटिकुलर आर्टरी है जो कि इंटरवेंटिकुलर ग्रूव में पीछे रन कर रही है समझ आई बात की ना आई विल गो टू द ब्रांचेस ब्रांचेस को मैं लेबल करूंगा और मैं आपको दिखाता पहली ब्रांच, पहली ब्रांच, दूंगा उधर लेबल भी कर दूंगा एट्रियल ब्रांच एट्रियल ब्रांच मेजरली सप्लाई करती है राइट right एट्रियम को पार्टली सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम को किसको मेजरली राइट पार्टली लेफ्ट इसको एट्रियम को ऑब्वियसली नाम क्या है एट्रियम मेजरली राइट एट्रियम को पार्टली लेफ्ट एट्रियम को ये देखें ये लेबल कर दू ये है नंबर वन दिस इज द नंबर वन गई सप्लाई किसको कर दिया राइट right एट्रियम को और लेफ्ट एट्रियम को लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा इससे एक ब्रांच निकलती है दिस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि हम अलग से भी लिखते हैं एस ए एस ए नोडल ब्रांच एस ए नोडल ब्रांच जो कि एस ए नोड को सप्लाई कर रही है इसको भी लेबल कर दूं ये लिखी हुई ठीक हो गया उसके बाद <coughs> ये आर्टरी नीचे आ रही होती है और यहाँ पे ये तीन चार ब्रांचेस दे रही है मैं उनको लेबल करता हूं क्योंकि वो इसने नाम नहीं लिखा हुआ उनका ए, मैं लेबल कर देता हूं एक कलर में ऑरेंज कलर का को कोड रख के कर देते हैं इसको यार किधर गया और ये नजर नहीं आएगा पिंक में कर देते हैं ये नजर आ रही है आटी आपको ये ये क्या है ये किस एरिया के ऊपर चल रही है बताएस सरफेस ऑफ व्हाट राइट वेंटिकुलर राइट वेंटिकुलर तो ये जो नंबर थर्ड पे आर्ट्री है जिसको हमने मैं यू करके बनाया है जो दो तीन नंबर दो तीन है ये थर्ड नंबर पे आ गई सो शुड बी द नेम थर्ड नंबर पे राइट वेंट्रिकुलर आर्टरीज विच आर एक्चुअली सप्लाइंग द एंटीरियर सर्विस ऑफ द राइट वेंट्रिकल यू कैन जस्ट सी इट ठीक है और ये होती कितनी है थ्री टू फोर होती है टू टू थ्री भी लिखे है कुछ किताब में लेकिन आप थ्री लिख लें थ्री हमने बना दी ओके आर यू विद मी जहां पे सांस रुके मुझे रोक लेना नंबर मार्जिनल मार्जिनल, आर्टरी, राइट और ये किस को सप्लाई कर रही है इंफीरियर बॉर्डर को राइट right वेंट्रिकल से जो बन रहा था इंफीरियर बॉर्डर पे है ये देखें इसको मैं लेबल कर देता हूं ये बड़ी भी hmm. हो गया ये बिल्कुल नीचे रन कर रही है इसको देने के बाद ये बैक कर गई। जब ये लूप बैक करती है तो यहां और ये वाली, दिस ये भी क्या है दिस अगेन राइट ब्रांचेस। ये ही ब्रांचेस हैं, जिसको एक शुरू में भी दे दी थी एक यहां पे भी दे दी नंबर फिफ्थ पे कौन सी दे रही है एट्रियल ठीक है और ये इसी का लेबल है ये फिफ्थ का हाय हाय इसको मैं लेबल अलग से कर देता हूं ये फिफ्थ नंबर पे ये वाली है 80 ठीक हो गया अब सिक्स्थ पे जब ये ऊपर जाती है ना हाय 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 तो मैं अगेन एक और कलर बनाता हूं जो कि अगेन पोस्टीरियर है डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड यहां पे ये एक ब्रांच देती है जो पीछे से ऊपर जाती है और यहां पे ये सप्लाई कर देती है एवी नोड को ये किसकी ब्रांच है ये जो आखिरी आखिरी हमने बनाई है मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा पोस्टीरियर सर्विस पे ये कौन सी है इसको भी मैं एक पॉइंट दे देता हूं ये वाला एक ग्रीन टेक दे देते हैं ये जो ग्रीन टेक पे जो मैंने बनाई है ये कौन सी है जो पोस्टीरियर सर्विस पे है नंबर सिक्स दिस इज एन आर्टी टू द एवी नोड एवी नोडल ठीक हो गया एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट जो कि टर्मिनल थी वो नंबर सेवंथ वाली हमने पहले ही लिख दी

बोले लेफ्ट एट्रियम ये कौन सा है लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये देखिएगा लेफ्ट कोरोनरी कोरोनरी साइनस यह लैटरली इन द राइट ग्रूव थी ये टर्न लेफ्ट ऑन द लेफ्ट एट्री ऑफिकुलर है ऐसे ही है थक जाता है बंदा बैठे बैठे खड़े होके पढ़ाना बहुत आसान है बैठ के पढ़ाना इट इज वेरी डिफिकल्ट

मूव टू द लेफ्ट इन द इन द बोलिए लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूफ वो डिसेंड डाउन करती थी इन द राइट एट्रियो वेंटिकुलर ग्रूफ ये मूव लेफ्ट करती है इन द लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ग्रूफ एंड वेरी सिंपल डिवाइड इंटू टू डिवाइड इंटू टू कौन बताएगा लेफ्ट सर्कम फ्लेक्स जिसे हम बुक्स में शॉर्ट फॉर्म में एल सी एक्स भी लिखते हैं और दूसरी लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांच एंटीरियर डिसेंडिंग यस आपने भी नाम सही लिया आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग लेकिन इसका दूसरा नाम जो होता है इसको हम लिखते हैं लैड द मोस्ट फेमस लैड या इसको हम एक और नाम से देते हैं लेफ्ट जो इसने लेबल किया हुआ है लेफ्ट इंटर वेंट्रिकुलर देखिए उसने भी दोनों लिखे ज्यादा फेमस नाम क्या है इसका बेटे वो लैड है ठीक है जी तो ये डिवाइड हो गई दो में नंबर वन एंड नंबर टू अब लेफ्ट सर्कम के बारे में पहले बात कर लेते हैं कौन सी एलसीएक्स क्या कर रही है देखें क्या कर रही है खुद सोचें वो किधर को जा रही है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में ही कंटिन्यू कर रही है ये देखें यू कंटिन्यूज इन द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड वेरी सिंपल इसके बारे में दो तीन ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये देती है सप्लाई लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए बाकी इसकी सप्लाई लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को विच इज वेरी वेरी सिंपल ठीक है ये तीन किस्म की ब्रांचेस देती है लेफ्ट मार्जिनल, label, label, वरी। लेफ्ट मार्जिनल जो के किसे सप्लाई कर रही है ऑब्वियसली बोलिए नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल पे मैं दिखाता हूं अभी आपको फिर दूसरे नंबर पे ये देती है एल ब्रांचेस जो कि सप्लाई करती हैं ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम को और तीसरे नंबर पे ये देती है इसकी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वेंट्रिकुलर ब्रांचेस जो कि ऑब्वियसली किसको सप्लाई करेंगी लेफ्ट वेंट्रिकल को अब ये मैं आपको लेबल कर देता हूं देखें जी आई जस्ट लेबल इट फॉर यू ये है लेफ्ट मार्जिनल चेंज द कलर

ये आप कह सकते हैं ये कौन सी है ठीक हो गया ना और ये इधर ही खत्म हो जाती है अब जो असल आर्टरी है ना वो है लेट लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो कि बहुत सिंपल है सिंपल इन अ सेंस के आसान है नंबर टू पे हमने क्या लिखी थी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग मूव्स डाउन इन द एंटीरियर वॉट एंटीरियर इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव ठीक है कहां पे पहुंच गई नीचे देखो कहां पे पहुंच गई नीचे बिल्कुल हार्ट के नीचे पहुंच गई है रीच इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट रीच इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट पहुंची है नीचे एपेक्स पे बोलो ना यार ये देखो ये नीचे आई एपेक्स पे पहुंच गई अब एपेक्स पे पहुंचने के बाद ये क्या करेगी ज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स का दो यहां से ये तो ये पीछे जाएगी और उपर, इसके साथ फ्यूज करोक्स पे पहुंची एंड देन मैं इसको लेबल करता हूं आप लोगों के लिए रीचेज द एपेक्स ये एपेक्स पे पहुंच गई और फिर यहां पे ये क्या कर रही है लिखता हूं आप लोगों के लिए लूप्स बैक इन टू द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूफ एंड एनेस्टमोजिज विद वॉट विद द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्ट्री आर्ट्री ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी आर्ट्री देखा समझ आइए यस है अब देखो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में दो आर्ट्रियां रन कर रही हैं एक लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और एक पॉजिटिव इंटरवेंट्रिकुलर जो पीछे से आ रही है दो पीछे की तरफ जाके फ्यूज कर गई है यू जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने लगा इसको याद रखना मेजर सप्लाई टू द इंटरवेंट्रिकुलर से इंटरवेंटिकुलर सिस्टम सेप्टम इज गिवन बाय द पॉस्टीर इंटरवेंटिकुलर आट तो मेजर सेप्टम को जो ब्लड सप्लाई है वो लैड से है लेफ्ट क्रोन आर्टरी से है पार्टली जो पीछे वाले एरिया की ब्लड सप्लाई है वो किससे है लॉट जिसको ऊपर लड़ाइया भी करते हैं बच्चे एमसीक्यूज़ में पूल्स में बैठे मैंने देखा है बड़ी दफा वो मैं इधर लिख देता हूं एक बॉक्स बना के राइट डोमिनेंस वर्सेज लेफ्ट डोमिनेंस वॉट इज इट बच्चे पता है क्या बड़े सादा सा जवाब देते हैं मासूमाना जवाब है वो क्या कहते हैं कि जी अगर तो अगर तो राइट आर्टरी मेजरली हार्ट को सप्लाई कर रही है राइट डोमिनेंस है लेफ्ट कर रही है तो लेफ्ट डोमिनेंस है आप लोगों ने भी यही बात सुनी होगी कुछ लोगों से जो अफलातून बने होते हैं फेसबुक पे बड़े बड़े सुना है कभी नो सर दैट अगर एक ने सुना एक ने नहीं सुना चले वेरी गुड बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द आंसर

राइट right डोमिनेंस क्या है राइट right डोमिनेंस क्या है जी इफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्ट्री तो राइट डोमिनेंस है और लेफ्ट डोमिनेंस क्या है इफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ओहो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्ट्री

ऐसे नोड के बाद क्या था जी inter, nodal, pout pout इंटर एवी नोड इंटर एवी नोटेज इंटर नोडल पाथवेज भाईवे फिर एवी बंडल 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 ऑफ कहते थे और उय, फिर क्या आ गया राइट बंडल ब्रांच एंड ऑब्वियसली द लेफ्ट बंडल ब्रांच कंज़े फाइबर्स ऑब्वियसली छोटे होते हैं उसकी ब्लड सप्लाई हम नहीं देखते ठीक है अब मेरी बात जरा गौर से सुने ये ओहो क्या है ये देखे मैं आप लोगों को ना लिख देता हूं या कलर कर देता हूं राइट का हमने कलर राइट क्रोन का क्या कलर रखा हुआ है हमने ब्लैक ही रखा हुआ है ओहो देखे यहां तक ये बॉक्स बना देता हूं ये सारी की सारी ब्लैक कलर वाली आर्टिस्ट हैं जो ही है राइट

लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बाय लेफ्ट खजूसन लैड राइट बंडल ब्रांच इज अप्लाइड बाय द लेफ्ट द लेफ्ट बंडल ब्रांच इज अप्लाइड बाय द बोलिए बाय ये देखिए मैं इसको कुछ कर रहा हूं बोथ राइट एंड लेफ्ट सो दिस स्मॉल फिगर ये छोटा सा एक डब्बा मैंने बना दिया इंशाल्लाह इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लूज फॉर द एमसीक्यूज

देखें ये क्या निकल रही है राइट कॉनरी आर्टरी ये नीचे आ रही है ये एट्रियल ब्रांच है जो पहली पहली थी राइट एट्रियल ब्रांच इधर ही नोडल ब्रांच भी दिखा दी उसने ये नीचे आई ये कौन सी ब्रांच आ रही है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ये कौन सी आ गई राइट मार्जिनल ये कौन सी चलेगी एट्रियल और अगर हम पिछली सर्फस पे नीचे आ जाए ये एट्रियल वेंटिकुलर ग्रुप में नीचे आई ये ब्रांच कौन सी गई एवी नोडल ब्रांच इधर जाएगी और ये कौन सी आ जाएगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टी देखा समझ आया और ये कौन सी निकल ये के ये आ रही है लेफ्ट लेफ्ट जो है ना यहां से मुझे एक चीज हटानी पड़ेगी एक चीज मैं हटाऊंगा मैं लेफ्ट एटीएम को हटा रहा हूं ये देखो मैंने लेफ्ट एटीएम हटा दिया अब क्या हुआ कि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर पोस्टीरियर इंटर साइनस से निकली ये दो में डिवाइड हो गई ये आगे वाली लैड है ये पीछे वाली लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स वही बात सिंपल पीछे आई एट्रिया को सप्लाई किया ये मार्जिनल दे दी और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई दे दी खत्म हो गई अलबत्ता